backhand shot. That'll be four. Ramiz Raja judged that beautifully. Pakistan win the World Cup. यहाँ पे इंडियन टीम के नेट सेशन पे हूँ। विराट कोहली अभी अपनी नेट सेशन ख़त्म करके जा रहे हैं। तीन नेट्स हैं, अगर आप नेट्स की तरफ थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं सबको। सो एक थ्रो डाउन्स का है नेट, बाकी लोकल टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट जो है ये ज़्यादातर स्पिनर्स लगे हुए इस नेट में, और वो जो है वो फास्ट बॉलिंग नेट है। और कहानी सर ये बनती है कि जितना स्ट्रॉन्ग नेट सेशन होगा उतना ही टीम के लिए अच्छा, क्योंकि कंसंट्रेट करने के लिए ये बेस्ट माहौल है। आप ये चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हैं जब आप मैच में जाते हैं, और कंडीशंस भी मिरर करती हैं। जो प्रैक्टिस पिचेस होती हैं वो मोस्टली जो होती हैं वो मैच में भी ऐसी आपको सिचुएशन और पिचेस मिलती हैं, और मौसम पे भी नज़र रखनी है। इसलिए कि सुना यही गया है कि बारिश मतवक्को है, सो लेट्स होप कि मौसम ठीक रहता है। एशियन टीम्स को खास तौर पे एक्लेमेटाइज होने के लिए थोड़े ज़्यादा नेट सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि लाइट ठीक नहीं है। ये सब कॉन्टिनेंट जैसी लाइट नहीं है, कभी बादल कभी फुहार। सो आपको पेशेंस भी दिखानी है, और आपकी स्ट्रैटेजी गेम प्लान अकॉर्डिंगली यहाँ पे बनता है मौसम को सामने रखते हुए। सो इंटेंस सेशन किया इंडियन टीम ने, और विराट कोहली ने दो तीन दफ़ा बारी ली, टॉप ऑर्डर ने लंबी बारी ली 30-40 मिनट की, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर चलेगा भारत का तो फिर मिडल ऑर्डर से प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक ओपनिंग बीच में मिडल ऑर्डर में मिली है, क्योंकि शिखर धवन अनफिट हैं। सो ऋषभ पंत को यहाँ फ्लाई किया गया है, और विजय शंकर ने नेट्स भी किए हैं, बॉलिंग भी किए हैं, वो अनफिट थे, अब फिट नज़र आ रहे हैं। शायद वो मिडल ऑर्डर में भारत के लिए फीचर करेंगे। सो नेट्स इंटेंस, बचो पाकिस्तान। Fine shot, that'll be four. Ramiz Raja judged that beautifully. Pakistan win the World Cup.